नमस्कार दोस्तों, एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है खास करके बहनों के लिए ही है, भाइयों के लिए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज के दिन में प्रॉब्लम चल रही है वह है किसी इंसान से पीछा छुड़ाने की। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था किसी से पीछा छुड़ाने के लिए तो वह काफ़ी 7-8 मिनट का था, तो काफ़ी लंबा हो गया था। इतना समय आज की टाइम में होता नहीं है लोगों को, बहनों के पास भी एकांत में सुनने गए था टाइम नहीं होता, तो सीधा मैं विधि की ओर बढ़ूंगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि किन किस किस के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये आप अपने पुराने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, चाहे आप लड़का हैं लड़की है तो आप कर सकते हैं, आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मित्र से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी किसी रिश्तेदार सगे संबंधी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो किसी भी इंसान से किसी भी प्रकार से आप अगर किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस बात इतनी है कि पीछा छूट जाएगा, स्वतंत्र से छुटकारा अगर आप अपनी पत्नी का कराना पति का कराना चाहती है, कोई पत्नी अपने पति का स्वतंत्र से छुटकारा कराना चाहती, कोई पति अपनी पत्नी का किसी अन्य स्त्री के पुरुष के साथ चक्कर है तो वह भी तोड़ना चाहता है तो कर सकता है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी नोटिफिकेशन मध्य बताएं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, आपको क्या करना है, शनिवार रात्रि में 11 बजे के बाद करना, आपको पायदान लेना है, जो घर का पायदान होता है, पायदान गंदा पायदान लेना है, जो मुख्य रूप से अगर जिनके घर उपलब्ध नहीं है पायदान, फिर वह नया खरीद के ले आए, 2-3 दिन उसे यूज करें, उसके बाद इस प्रयोग को करें। आपको एक वाइट पेज लेना और उससे ब्रैकेट में ये डब्बे बनाने। पिछले बारी क्या हुआ था कि मैंने लाइव बिल्कुल करके दिखाया था तो वो डिब्बे थोड़े गलत बन गए थे, संख्या भी अच्छे से अंकित नहीं हो पाई थी तो दिक्कत हुई थी। तो सबसे पहले आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ नाम लिख देना, अपने शत्रु का नाम लिख देना, उसके बाद जो संख्या अंकित करनी है वह मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्य करना है यहाँ आपको लिखना तन 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 तय और ऊपर बिंदी, तय के ऊपर बिंदी ना के, तो तन बन जाएगा, फिर तन 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 तन। मैं आपको बता देता हूं कि आपको काले वस्त्र धारण करने, काला ही आसन लगाकर बैठना है, ठीक है, और जो वस्त्र आप पहनेंगे इस प्रयोग के बाद आपको कभी भी जिंदगी में उन वस्त्रों को दोबारा धारण नहीं करना। इस बात का क्या, उत्तर दिशा का तरफ मुख तन तन। अब यहाँ आपको एक संख्या अंकित करनी थी, माफ कीजिएगा ये तन नहीं लिखना, यहाँ आपको लिखना था 734, यहाँ आपको एक संख्या अंकित करनी है, ये तन लिख के उसके बाद फिर से आपको लिखना तन 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 तन, ऐसे ही आपको याद करना, माफ कीजिएगा यहाँ आपको सिर्फ 734 सीधा लिखना था, ये तन लिख दिया था, इसके यहाँ शत्रु का नाम हो गया, ये हो गया, और काले वस्त्र धारण करने, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी से बात नहीं करनी, किसी तरीके का विचार नहीं लड़ना, केवल और केवल जिस इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते हो उसके बारे में सोचना। फिर आपको एक और चकोर बनाना, 3 खड़ी रेखाएं 3 आड़ी रेखाएं बनानी है, उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना हॉन, फिर लिखना तन, हा के ऊपर न की बिंदु, त के ऊपर ना का बिंदु, ठीक है, इसी तरीके फिर लिखना तन, उल्टा लिखना है, फिर हॉन, फिर लिखना हॉन, फिर लिखना तन, फिर लिखना तन, फिर लिखना हान। अब इसके अंदर आपको बाकी की संख्या, गणित की संख्या अंकित करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करनी है। आपको लिखना है 323, ओके, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण निपुण रूप से आपको यहां ध्यान देना है और ये आपको संख्या अंकित करनी है। फिर आपको लिखना है 325, फिर आपको लिखना है 331, फिर आपको लिखना है 332, फिर आपको लिखना 324, फिर आपको यहां लिखना है, यहां लिखना है 345, इसके बाद आ जाइए, यहाँ आपको लिखना है 99 और यहाँ आपको लिखना है 440, यहाँ आपको लिखना है 550 और यहाँ आपको लिखना है 691, यहाँ आपको लिखना है 723 और यहाँ आपको लिखना है
माफ कीजिएगा थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ आपको लिखना है 887। यह आपको इसी तरीके से, अब इसके बाद क्या लिखना है कि यहां आपको लिखना है सार। सार मीन्स आप अपनी इच्छा, किस तरीके का इंसान से आपका रिश्ता है वह आपको लिखना है। और यहां आप उससे पीछा, यहां वैसे साइड में लिखना था लेकिन आप यहां लिख सकते हैं, यहां लिखना है आपको उस इंसान से किस तरीके से रिश्ता है, क्यों आपसे उसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये सारी चीजें यहां ऊपर नीचे लिखनी है जो आके आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरा। ध्यान पूर्वक देख लीजिए, मैं आपको ये पहले ये देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके से देख लीजिए, उसके बाद इस तरीके से देख लीजिए, पूरे ध्यानपूर्वक देखकर आपको क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, इसे फोल्ड कर लें और इसे अपने पायदान के नीचे या पायदान के अंदर की तरफ, ये दो धाराएं होती है, इसके बीच डाल दें। और अब इसे आपको अपने घर की चौखट पे रख देना है, गंदे से गंदे जूते पहनकर इसके ऊपर से गुजरना है, 3-4 दिन के लिए रख दें, घर वाले अच्छे से इसके ऊपर से निकल जाएं, दबले कुचले किसी तरीके से धोना नहीं है, साफ नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही 3-4 दिन यानी कि 5 दिन मैक्सिमम निकल जाते हैं तो आप क्या करें, या आने वाले शनिवार तक आप इसे रखें, आने वाले शनिवार को इसे ले जाकर उत्तर दिशा की तरफ किसी सुनसान जगह में जाकर इसे जला दें। जलाते वक्त इसकी राख पर थूक दें और पैरों से इसे मसल कर आ जाएं। आप खुद देखेंगे 7 दिनों के अंदर, मैं दावे के साथ कहता हूं, वह इंसान स्वयं आपका पीछा छोड़कर चले। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप बेझिझक मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, धन्यवाद।